Hello, first class. How are you all? I hope you all are doing well and stay at home only, okay? Right. Welcome to online classes of HPS. This is your English grammar class. Now open your books, ready with your books, and open page number 15, okay? Okay, I hope you have opened your books. We have completed till page 14. This was your homework. I hope you have done. Now come to page 15. Use of capital and small letters. Capital and small letters ka use kahan aur kaise karte hain? कैपिटल आप जानते हैं ना, ए बी, दिस इज कैपिटल. एंड स्मॉल ए बी, दिस इज स्मॉल लेटर्स. वी बिगिन द नेम्स ऑफ पीपल विद अ कैपिटल लेटर्स. हम पीपल का नेम, मतलब लोगों का या किसी का भी नाम होगा, आपका, मेरा, मदर, फादर, किसी का भी नाम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जैसे ये जैक, जैक नेम है तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है. लकी, लकी भी नेम है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है. आप सबके नेम्स जो भी होंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ठीक है. एंड वी बिगिन द नेम्स ऑफ थिंग्स विद द स्मॉल लेटर्स. और जो भी थिंग्स होंगे या जो भी आगे की चीज़ होंगी सेंटेंस के, वो स्मॉल लेटर्स में होंगी, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब है या थिंग है, वो सब स्मॉल लेटर्स से होंगी. और सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो नेम हो चाहे वो नेम नहीं भी हो, तो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. नाउ टेस्ट योर सेल्फ, लुक एट द नेम्स ऑन द टी शर्ट. टी शर्ट पे जो नेम्स हैं वो आप पढ़ेंगे. ईच चाइल्ड हैज़ द थिंग. अब ईच चाइल्ड के पास वो चीज़ है. बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द चाइल्ड्स नेम. Match the thing that each child has. जिनके names हैं उसी letter से start हो रहा है, उसी small letter से हमको उसके देखना है कौन सा उसके पास चीज़ है, ठीक है. जैसे for example Tom has a tricycle. ट्राईसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम टी, टॉम भी टी से स्टार्ट है, ट्राईसाइकिल भी, तो उसके पास हमें इस तरीके से मैच करना है. इसका फर्स्ट लेटर और इसके फर्स्ट लेटर्स सेम होंगे. नाउ दिस इज बी ओ बी, बॉब, बॉब. अब बॉब के पास क्या होना चाहिए? बिफोर बैग, यस, मैच इट. बैग, बॉब हैज़ अ बैग. Now this is Rosie. Rosie के पास क्या होना चाहिए? Yes, rose. Rosie has a rose. Dolly. Dolly के पास क्या होना चाहिए? Doll. Dolly has a doll. Kapil. K for kite. Kapil has a kite. Now write the sentence as shown. Tom has a tricycle. ये फर्स्ट हो गया, Tom has a tricycle. Now second, Bob. Start with capital letter B O B, Bob. बाकी आप इसको small में लिखेंगे. Has a bag. Bobby has a bag.
रोजी, रोजी स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर, रोजी हैज़ का मतलब उसके पास है, एक क्या है, रोज, आर ओ एस ई, रोज, जो नेम्स हैं स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और जो थिंग्स हैं, थिंग्स आर स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, थिंग्स विद थिंग्स विल रिटन इन स्मॉल लेटर्स. सिमिलरली डॉली, डॉली हैज़ अ डॉल. अब दोनों डी हैं लेकिन एक नेम है और एक थिंग है, इसलिए ये कैपिटल है और ये स्मॉल है. और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं. कपिल, कपिल हैज़ अ काइट, के आई टी ई, काइट. डन. नाउ टर्न द पेज. डेज ऑफ द वीक, जो डेज ऑफ द वीक हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे. मंथ्स ऑफ द ईयर ऑल्सो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर. नाउ वॉट यू हैव टू डू, दिस इज योर होमवर्क. राइट डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन योर नोटबुक. डू इट इन योर नोटबुक एंड लर्न द स्पेलिंग्स. एंड मंथ्स ऑफ द वीक ऑल्सो, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेबररी, एम ए आर सी एच मार्च, ए पी आर आई एल अप्रैल, एम ए वाई मे, जे यू एन ई जून, जे यू एल वाई जुलाई, ए यू जी यू एस टी अगस्त, एस ई पी टी एम बी आर सेप्टेम्बर, ओ सी टी ओ बी आर अक्टूबर, एन ओ बी एम बी आर नवम्बर, डी ई सी एम बी आर डिसम्बर. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.